हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश राइटी। मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती दोस्तों लेकर आ चुके हैं। ये जो आपकी भर्ती रहेगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान में आपकी भर्ती होनी है। इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल यहाँ जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से करना आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड और कैसे करना आपको अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर जो पद निकाले गए, मल्टीटास्क स्टाफ का पद रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगा, क्लर्क रहेगा, असिस्टेंट का पद रहेगा, और भी यहाँ पर पद निकाले गए हैं दोस्तों। यदि हम योग्यता की बात करें, 10वीं पास है, स्नातक पास है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लो क्लिक, ताकि मध्य प्रदेश की पल पर की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत हमारे यहाँ से मिलती रहे। चलिए हम चलते हैं पहले फॉर्म पर। ये हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, ठीक है। यहाँ फॉर्म ये आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको ये ऑफलाइन भेजना पड़ेगा। देखिए, ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य आपका पुनर्वास संस्थान सीहोर से ये निकाला गया है। यहाँ पे आपका प्रूफ लग जाएगा, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर, आपके पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, नेशनलिटी, रिलीजन, ठीक है, कैटेगरी आपकी, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकती हैं। इसके पास अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग पढ़ लेना और आप लोग यहाँ पर भर लेना, ये आपको भर के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं फॉर्म पर और लास्ट बताऊंगा कहाँ से करना डाउनलोड। देखिए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपका सीओर से निकाला गया है। यहाँ पर जो पोस्ट है, देखिए, पहली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी, वन पोस्ट यहाँ पर निकाली गई दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, आप लोग बीएड मांगा हुआ है और प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 75,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट रहेगा लेक्चर की रहेगी, दो पद निकाले गए हैं दोस्तों, मास्टर डिग्री मांगी हुई है, ठीक है, संबंधित क्षेत्र में, ठीक है, 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट रहेगी लेक्चर की रहेगी, यहाँ पर दो पोस्ट निकाली गई हैं और मास्टर डिग्री मांगा हुआ संबंधित विषय में, ठीक है, और 60,000 पर मंथ तक सैलरी आने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर की रहेगी फिजिक्स, यहाँ पर फॉर सोशल वर्क में वन पोस्ट निकाली गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपका, एम फिल आपने किया हो, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 60,000 पर मंथ आपको सैलरी। रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है सोशल वर्क में या सोशोलॉजी में, ठीक है, संबंधित क्षेत्र में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 50,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी फिजिक्स की रहेगी, नर्स की रहेगी फिजिक्स की, तो यहाँ पर MSc किया हो आपने संबंधित क्षेत्र में, या BSc किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो आपके साथ में, ठीक है, 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट रहेगी ऑपरेशन थेरेपिस्ट की रहेगी, वन पोस्ट निकाली गई है, बैचलर डिग्री मांगी थेरेपिस्ट में, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ दोस्तों, 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी वर्कशॉप सुपरवाइजर की, वन पोस्ट निकाली गई है, मास्टर डिग्री मांगा हुआ सोशल साइंस में, विथ डिप्लोमा हो आपके पास संबंधित क्षेत्र में, 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटर की, वन पोस्ट निकाली गई है, डिप्लोमा किया हो इन सोशल एजुकेशन में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 35,000 पर मंथ सैलरी में रहने वाली। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, स्टोर एंड परचेज की रहेगी, वन पोस्ट निकाली गई है, ग्रेजुएशन किया हो आपने, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में, ठीक है, 30,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली, 5,000 एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर। नेक्स्ट क्लर्क की रहेगी, एजुकेशन आपने 12वीं पास किया हो, 10+2, टाइपिंग आपके 35 WPS आनी चाहिए कम, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, यहाँ पर मांगा हुआ है, 25,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, वन पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक है, आपको कंप्यूटर को सुधारना, नेटवर्क के संबंध काम आ जाइए, टेली है, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, 25,000 पर मंथ मांग सैलरी में लहरी मारी है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, दो पोस्ट निकाली गई है, 10वीं पास मांगा हुआ ओनली, 18,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, और इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पर, जो इंटरव्यू डेट है, रिटर्न टेस्ट है, रिस्कल टेस्ट है, वो भी यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट वेबसाइट पर यहाँ पर बता दिया जाए कब से होना, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों को भरना पड़ेगी, सेल परचेज करके आप लोगों को वो रहेगा, वो आवेदन आप लोगों को इनकी जो ईमेल आईडी है, ठीक है, इस ईमेल आईडी पे आप लोग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, और यदि आप लोग चाहें तो ऑफ वो भी भेज सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन आप लोग चाहें तो ईमेल आईडी भेज सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। इसके पश्चात आप लोग यहाँ पर देखो, आपको ETA/DA इंटरव्यू का नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बाकी जो निर्देश है वो आप लोग यहाँ पढ़ लेना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप दी हुई है, ठीक है, ये होने वाला है। अब हम चलते हैं पोर्टल पर, आपको यहाँ वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, पुनर्वास संस्था सीओर, यहाँ पे आ जाओगे और आप लोग जाओगे एडवर्टाइज, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसका जो एडवर्टाइज का जो नोटिफिकेशन वो हमारे सामने आ जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है, ये आ जाएगा कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, आपकी ये कॉन्टेक्ट बेस पर भर्ती होने वाली है, क्लिक करोगे इसके सामने हमारा आ जाएगा, यहाँ से आप लोग अन्य नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एडवर्टाइज डाउनलोड कर सकते हो, इसका जो फॉर्मेट फॉर्म फॉर्म भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, तो यहाँ से आप लोग कर लेना और यहाँ से आप लोग आवेदन कर देना।
आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके थैंक्स।